कैसे हो दोस्तों। आज हम लोग जाने वाले हैं पियाली आइलैंड, जो कि जॉयनगर से 1 घंटे की दूरी में है। टोटल डिस्टेंस है यहाँ से 95 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत कंजेस्टेड है, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है जाने में। तो अभी 6:30 बज रहा है, लेट हो गया है, हम लोगों को 6 बजे निकलना था। तो बाकी राइडर्स के साथ हम लोग मीट करेंगे यहाँ पे बाली खाल। तो सब लोग आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। ये है मिथिल, सामने है स्कंदन और अतनु। ये है दक्षिणेश्वर ब्रिज, और दक्षिणेश्वर मंदिर। लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। लोग अभी बारुईपुर छोड़ के आ चुके हैं। बहुत मुश्किल के बाद एक खाने का दुकान मिला ब्रेकफास्ट के लिए। हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं। ये बाएं तरफ से बह जा रहा है पियाली नदी। हम लोग आ चुके हैं, ये है पियाली नदी और सामने है पियाली आइलैंड। अभी अंदर घुसने नहीं देता है, कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हो गया था यहाँ पे, उसके बाद से जगह को लॉक कर दिया है। फेंस लगा हुआ है। अभी हम लोग नदी के पास जाएंगे। लॉक गेट के यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, थोड़ा सा फोटो सेशन हो जाए। अभी हम लोगों का प्लान है, पास पे एक नदी है मातला नदी, जहाँ पे पियाली नदी और मातला नदी एक जगह पे मिल रहा है, एक मोहना टाइप का है। तो रास्ता तो बहुत ही खराब है, रास्ता तो है ही नहीं, बांध के ऊपर से जाना पड़ता है, पूरा टोटल ऑफ रोडिंग है। ये रहा
मातला नदी, चारों तरफ मैनग्रोव ट्रीज भरी हुई है। ये सुंदरबन के काफी पास है, यहाँ से आप बोट हायर करके सुंदरबन भी जा सकते हो। एक फोटो सेशन हो जाए। तो अभी हम लोग वापस जाएंगे लॉक गेट के पास, वहां से एक बोट हायर करके हम लोग पियाली नदी से होते हुए हम लोग जाएंगे मातला नदी पे, उसके बाद घूम के चले आएंगे। तो यहां से आप लोग चाहो तो बोट हायर करके सुंदरबन भी घूम के आ सकते हो। 3 दिन का टूर करवाता है ये लोग, और एक है 5 घंटे का भी एक टूर है, सामने से सुंदरबन के सामने से घुमा के लेके आएगा। लेकिन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग बस यहीं से घूम के चले जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, देखते रहिए फोटो स्लाइड शो। बाय बाय। Just wanna talk a bit. If you wanna talk, let's talk about the way.